सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। सहारा इंडिया आयोग ने दिया भुगतान का आदेश। बड़ी अपडेट सहारा इंडिया से रिलेटेड है। नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं स्ट्री न्यूज टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों आज जो बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बीकानेर से है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापत और सदस्य पुखराज जोशी एवं मधुलिका आचार्य की ज्योरी के प्रतिपक्षी सहारा इंडिया के विरुद्ध परिवाद स्वीकार करते हुए परिवाद बेवा सुमन सेवन को 17,445 रुपये का परिपक्ता राशि एवं इसके अलावा सेवा दोष हर्जाना के रूप में 5,000 रुपये एवं परिवाद व्यय के 5,000 रुपये के अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश सहारा इंडिया को दिया। या दोस्तों यहां पर भुगतान करने का आदेश सहारा इंडिया को दिया गया। प्रकरण के अनुसार परिवादी सुमन सेवंग ने वर्ष 2003 में बचत खाता खुलवाया था। परिवादी द्वारा जमा कराए जाने वाली राशि 2018 में परिपक्व हो चुकी थी जिस पर उन्हें 30,000 रुपये का भुगतान होना था। परिपक्षी के परिपक्वता राशि की एफडी करवाने का दबाव डाला गया, यानी कि यहां पर एजेंट द्वारा निवेशक को यहां पर एफडी कराने का जोर डाला गया और एफडी कराने का दबाव डाला गया और कहा कि कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, परंतु परिवाद ने मना करने पर उसे 15,000 रुपये का ही भुगतान करा दिया और 15,000 रुपये 18 माह के लिए एफडी द्वारा कंपनी की गई परिपक्वता राशि, यानी कि यहां पर 15,000 तो उनको दे दिए गए और 15,000 की यहां कंपनी को एफडी करा दी गई, यानी कि इन पर जोर डाला गया। तो ये एफडी जबरन कराई गई जिसकी परिपक्वता राशि का भुगतान इन्हें 2019 में करना था, परंतु सहारा इंडिया बीकानेर के संभागीय प्रबंधक शाखा प्रबंधक राजेश रोहिला, इंचार्ज सहारा इंडिया बीकानेर कैलाश पुरोहित व अध्यक्ष सहारा इंडिया लखनऊ की आयोग ने लापरवाही मानते हुए वर्ष 2019 में से 6% ब्याज की अदा करने का आदेश दिया। यानी कि यहाँ पर ये मामला जब प्रतितोष आयोग के समक्ष गया तो यहाँ पर एक अच्छा फैसला सुनाया गया। उक्त राशि का भुगतान एक माह में न करने पर 12% वार्षिक ब्याज अदायगी तक देने का आदेश दिए। परिवादिया की ओर से पैरवी एडवोकेट जगदीश सेवंग ने की आयोग के उप आदेश का पालन नहीं करने पर 3 वर्ष तक के कारावास एवं 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना दोनों दंड दिए जाने का भी प्रावधान है। तो दोस्तों यहाँ पर इनके ऊपर जुर्माने के साथ साथ और जेल में जाने का भी प्रावधान है। तो यहाँ पर ये एक अच्छा फैसला निकल कर आया है और ऐसे ही फैसले अगर निकल कर आते रहे तो दोस्तों सहारा इंडिया के निवेशकों को पैसा भी मिलेगा और इंसाफ भी मिलेगा, क्योंकि हमने देखा था कि अभी झारखंड में 4 इनके जो इनकी जितने भी वहाँ पर ब्रांच है उनके 1-4 डायरेक्टरों को पकड़ा गया या 4 वो कर्मचारियों को जो उनके ऑफिस में थे, यानी कि जो उनके मैनेजर थे, उनको पकड़ा गया और उनको दंडित किया गया, जेल में डाला गया, वहाँ 15 करोड़ देने का वादा किया गया जब उनको छोड़ा गया। तो दोस्तों वो सब हम अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता चुके हैं। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप भी उपभोक्ता फोरम में अपना वाद दायर करें ताकि आपको इंसाफ भी मिल सके और पैसा भी मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय।